hello students welcome you all to my english class hope you all are fine students today i'm going to discuss with you prepositions okay prepositions chapter number 9 of your book prepositions kya hoti hai? it is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक नाउन का दूसरे प्रनाउन से दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें बताता है क्लियर लेट्स टेक एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल देर आर टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस बुक एंड टेबल ओके इन दोनों का रिलेशन हमें बता रहा है कि जो बुक है उसकी पोजीशन टेबल पे कहाँ है दैट इज ऑन द टेबल ओके क्लियर एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बता रहा है हमें क्लियर द बुक इज ऑन द टेबल बुक कहाँ पे पड़ी है टेबल के ऊपर ओके ऑन ऊपर क्लियर नाउ देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टाइम

ओके okay. टाइम के बारे में बात कर रही हूं अभी मैं कि टाइम में कौन कौन सी प्रपोजिशंस आ रही हैं हमारे पास क्लियर है सो so, ये हमें डेज और डेट्स के बारे में बताता है लाइक आई विल मीट यू ऑन संडे डे संडे को मिलूंगा ओके okay? क्लियर है डेज और डेट्स के बारे में हमें ऑन बताता है क्लियर है नेक्स्ट इज इन इन इज़ okay? यूज विद मंथ एंड ईयर्स और विद मॉर्निंग आफ्टरनून ईवनिंग ओके किसके साथ यूज़ होता है मंथस के साथ ईयर्स के साथ मॉर्निंग ईवनिंग आफ्टरनून इनके साथ यूज़ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आई मीट यू इन द इनिंग ओके अगर आपने इवनिंग मॉर्निंग में टाइम बताना है तो आप इन यूज़ करोगे ओके okay? नेक्स्ट इज़ एट एट इज़ यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम पूरा एग्जैक्ट टाइम जो होता है उसके बारे में हमें बताता है क्लियर है चीफली क्लॉक टाइम जो क्लॉक पे टाइम होता है उसके बारे में एग्जैक्ट बताता है क्लियर है लाइक फाइव ओ क्लॉक एट नून ठीक है आई विल मीट यू एट सिक्स ओ क्लाक पूरा एग्जैक्ट टाइम बता दिया ना यहाँ पे क्या था आई एल मीट यू इन द इवनिंग टाइम एग्जैक्ट नहीं था आई एल मीट यू ऑन संडे टाइम एग्जैक्ट नहीं है वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम बट इट्स नॉट एग्जैक्ट एग्जैक्ट कब हुआ जब हमने एट वर्ड यूज किया ओके आई एल मीट यू एट सिक्स ओ क्लॉक क्लियर नाउ देअर आर टू वर्ड्स दैट डू वी से इन टाइम और ऑन टाइम ओके इन टाइम इन टाइम का मीनिंग क्या होता है अर्ली इनफ अर्ली इनफ पहले बहुत पहले देन ऑन टाइम ऑन टाइम मीन्स एट द राइट टाइम जो स्केड्यूल है वही टाइम ओके फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी इन टाइम टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम बिगिनस वो अब क्या बोल रही है यहाँ पे कि एग्जाम से पहले वो अपनी रिविजन जो है वो कर लेना चाहती है ठीक है द एग्जाम स्टार्टेड ऑन टाइम जो एग्जाम था वो अपने टाइम पे स्टार्ट हो गया ठीक है यू मस्ट हरी इफ यू वॉन्ट टू बी इन टाइम फॉर द मूवी मीन्स अर्ली इनफ आपको जल्दी करना पड़ेगा अगर आप मूवी से पहले पहुंचना चाहते हो ओके द प्लेन डिट नॉट टेक ऑफ़ ऑन टाइम जो प्लेन है उसने ऑन टाइम पे टेक ऑफ नहीं करा ठीक है क्लियर सो इन टाइम का मीनिंग क्या होता है अर्ली इनफ एंड ऑन टाइम का मीनिंग क्या होता है ऐट द राइट टाइम क्लियर होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल थैंक यू स्टूडेंट्स